मैच्योर और रियलिस्टिक सिनेमा देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो रस किक चाहिए तो इसके लिए आपको एक्शन जॉनरा की तरफ जाना होगा। I'm gonna fuck you up. लिस्ट की सारी फिल्में आपको बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ एक्सेप्शनल और माइंड ब्लोइंग एक्शन प्रोवाइड करेगी। एक सीधा साधा नॉर्मल सा जॉब गोइंग पर्सन कैसे एक मर्डरर बनता है, यह देखने मिलेगा आपको 2018 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर डेथ विश मूवी के अंदर। एक सर्जन जो अपने शहर में चल रहे वायलेंस से परेशान है और इसका प्रूफ इसे हर दिन अपने हॉस्पिटल में आए पेशेंट से मिलता है। एक दिन कुछ चोर इसके घर पे अटैक कर देते हैं जिसमें इसकी वाइफ और यंग डॉटर की डेथ हो जाती है। ये चीज इसे अंदर से हिला देती है और मजबूर कर देती है क्रिमिनल बनने पे, और अब ये तभी चैन लेगा जब तक शहर से क्राइम खत्म करके अपना रिवेंज ना ले ले। अगर आपको लगता है कि एक ट्रेन क्रैश से बुरा हादसा और क्या ही हो सकता है तो ये फिल्म आपके लिए है। लाइटनिंग स्ट्राइक और तूफान से बचने के लिए ये पायलट प्लेन को अननोन आइलैंड पे रिस्की लैंड कराता है। ये तो प्रॉब्लम की बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद इस आइलैंड पे रहने वाले रेबल्स इन्हें होस्टेज बना लेते हैं। तो अब ये इस अननोन आइलैंड पे प्लेन क्रैश और डेंजरस रेबल से कैसे सर्वाइव करेंगे 2023 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी प्लेन। फिल्म शुरू से ही अपने थ्रिल से आपका टेंशन ग्रैब कर लेगी और आप इस पूरे फिल्म को एंजॉय करेंगे। करोड़ों रुपए कमाने का चांस, काम सिर्फ ये है कि ये कंपनी के लिए एज असैसिन कवर करना है और टारगेटेड लोगों को मारना है। रूल बस ये है कि अगर आप 50 से पहले मर जाते हैं तो आपका सारा पैसा ये कंपनी वापस ले लेगी। 2019 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर पोलर, लोग इसे 58 से पहले मारना चाहते हैं ताकि इसके सारे पैसे वापस आ जाए। अब ये पता चलने के बाद ये रूदलेस किलर क्या करेगा, यही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। फिल्म की स्टोरी आपको बहुत बेसिक लग रही होगी, पर फिल्म में और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर जाएगी। और एक्शन के साथ जो BGM चलती है वो तो पक्का आपको गूजबम्प्स देने वाली है। एक वायलेंट पास्ट को पीछे छोड़ ये बंदा एक पीसफुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन जब ये एक टीनेज लड़की को एक वायलेंट गैंगस्टर के अंडर कंट्रोल देखता है तो फिर से एक बार जस्टिस के लिए क्राइम वर्ल्ड में एंट्री लेता है और रशिया के एक इलाइट माफिया के खिलाफ पंगा ले लेता है। 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर द इक्वलाइजर, फिल्म की कहानी और प्रेजेंटेशन काफी सिंपल बट इफेक्टिव है, जो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये पसंद आ गई तो आप इसके दो और पार्ट देखे बिना रह नहीं पाएंगे। मैं किलर दिखता हूं। मूवी सच में बहुत कमाल की है, और अगर आप एक्शन जॉनर के फैन हैं और इसे अब तक नहीं देखा तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1 की फिल्म से पहले आप इमेजिन करो कि अगर जॉन विक एक ओल्ड फैमिली मैन होता तो क्या होता। आपने जो भी इमेजिन किया हो, लेकिन वो इस बंदे के लेवल का नहीं होता। दिखने में सिंपल सा एवरेज गाय, लेकिन अपने पे आ जाए तो पूरे गैंग को खत्म कर सकता है, वो भी विदाउट वेपन्स। 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी नोबडी, मेरे अंदर का सोया हुआ जानवर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। कुछ चोर इसके घर घुस जाते हैं और इसके बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट चुरा लेते हैं, और वहीं से ये सारा वायलेंस स्टार्ट होता है। सिर्फ 1.5 घंटे की ये फिल्म, बकवास के लिए कोई जगह नहीं, और स्टार्टिंग के पहले मिनट से कहानी शुरू। ऊपर से बॉब ओडेनकर्क, जिनका मैं ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सोल से फैन हूँ, इसलिए ये जर्नी मेरे लिए और भी मजेदार था। Who the fuck are you? Me? I'm nobody. तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।